Subscribe now to receive new updates every day. पूर्वी इथोपिया का आरार शहर एक मामले में खास है। यहाँ सदियों से खूंखार जंगली लकड़बगों को हाथ से मांस खिलाया जा रहा है, वे भी अंधेरी रातों में। कई बार तो 30 तक लकड़बगे किसी एक आदमी को घेरे रहते हैं और वे है बड़े आराम से अपने हाथों से उनके मुंह में मांस के टुकड़े डालता रहता है। यहाँ तक कि वे उन्हें अपने मुंह से भी खिलाता है। खाने के लालच में जंगली लकड़बगे उसके कंधों पर भी चढ़ जाते हैं। यह दृश्य बाहरी लोगों को कंपा देने के लिए काफी है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए सामान्य बात है। हरा शहर के चारों ओर सदियों पुरानी दीवार है। कहते हैं कि लकड़बगों को हाथ से खिलाने की परंपरा भी सदियों पुरानी है। हालांकि कुछ लोग इसे महज 60 साल पहले शुरू हुई बताते हैं। 1550 के दशक में हरार के 42वें अमीर शासक नूर इबन मुजाहिद ने शहर के चारों ओर दीवार बनवाई थी। तब दीवार के निचले हिस्सों में कई जगह बड़े छेद बनाए गए थे ताकि लकड़बगे शहर में आ सकें। यह सबूत बताता है कि हरार के लोग चाहते थे कि लकड़बगे वहां आएं। दरअसल उनका मानना था कि ये लकड़बगे कई तरह के बायो वेस्ट को खाकर खत्म कर देते हैं। इस तरह ये गंदगी का निपटारा करते हैं और बीमारियां फैलने से रोकते हैं। लेकिन कई बार होता यह था कि रात में शहर में घुसने वाले लकड़बगे लोगों पर भी हमला कर देते थे। ऐसा नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए लकड़बगों को खिलाए जाने की परंपरा शुरू हुई। जंगली लकड़बगों को अपने हाथ और कई बार मुंह से मांस के टुकड़े खिलाने वाले इन साहसी लोगों को हाइना मैन कहा जाता है। टूरिस्ट के लिए भी है बड़ा अट्रैक्शन। अब्बास यूसुफ नामक एक युवा हाइना मैन बताता है कि उसके पिता 60 साल से लकड़बगों को खिला रहे हैं और अब तक किसी लकड़बगे ने उन पर हमला नहीं किया है। यूसुफ ने 13 साल पहले यह काम शुरू किया था। हरार में लकड़बगे अब भी हर रात आते हैं, लेकिन उन्हें खिलाने वाले हाइना मैन अब इक्का दुक्का ही हैं। अब हाइना मैन लकड़बगों का खिलाने का काम मुख्यतः टूरिस्ट्स को दिखाने के लिए करते हैं। इसके लिए वे एक ऑर्डर यानी करीब पौने 300 रुपए लेते हैं। इतना ही नहीं, यदि टूरिस्ट चाहे तो वे हाइना मैन की निगरानी में खुद भी लकड़बगों को अपने हाथ या मुंह से खिला सकते हैं। हालांकि कम ही लोग ऐसा करते हैं। Thank for watching. Subscribe now to receive new updates every day. And don't forget to drop a like, leave a comment.